गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर आकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय 3 से संबंधित एक्सरसाइज 3.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझेंगे पहले क्वेश्चन को ठीक से। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक बहुभुज है जिसके सभी अंतः कोणों का माप दिया गया है 540 डिग्री, और उसमें कितनी भुजाएं हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन हम क्वेश्चन नहीं बल्कि इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया है पहले पिछले वीडियो में, सभी अंतरकोणों का योग निकालने का, प्रत्येक अंतरकोणों का योग निकालने का और विकर्ण निकालने का। ठीक है, ये तीनों का तीनों बातें आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए फिर से उसी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर सभी अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है फंगा जी, ये होता है n माइनस 2 × 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है जी, तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है n − 2 × 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे इसमें आपके अंतः कोणों के मापों का योग दे रखा है कितना जी, 540, यानी इसके मान आपको दे रखा है 540, आपको n निकालना है। n का क्या है जी, भुजाओं की संख्या। तो इस क्वेश्चन में हमें n ज्ञात करना है अर्थात भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ लिखेंगे 540, ठीक है, तो क्या है जी आपको दे रखा है उनके मापों का योग, सभी अंतर कोणों के मापों का योग दिया 540, लिखेंगे 540 बराबर लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा गया, n माइनस 2 गुने 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए जो 180 है, ठीक है, क्या है n माइनस 2 ये गुना में है, ठीक है, और यहाँ से हटेगा तो इसको लाएंगे हम बराबर के बाएं तरफ, लिख सकते हैं 540 बट्टा 180 बराबर n माइनस 2। ठीक है, यहाँ कटेगा भी आपका 0 से 0, 18 × 18, 18 × 54, कितना गया जी 3, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे 3 बराबर n माइनस 2। अब जो माइनस का 2 है, ठीक है, इसको हम लाएंगे बराबर के बाएं तरफ तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 + 2 बराबर n, 3 × 5 यानी 5 बराबर n, इसलिए n बराबर 5 यानी 5 क्या है जी, 5 ऊपर क्या है, तो ये हो जाएगा इसके भुजाओं की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके भुजाओं की संख्या, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसके भुजाओं की संख्या। क्लियर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि एक बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतःकोण के कितने माप का होगा। ठीक है, इसमें दिया है 8 भुजा, ठीक है, और पूछा है इसके कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है और प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भुजा तो 8 दे रखा है
आपको फार्मूला आपका यही यूज करना है एन माइनस टू इंटू एक्स डिग्री, ठीक है। और इसी के तहत इसके आधार पर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया हमारे तरफ में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का अंतिम ही क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग हल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले पढ़ेंगे सेशन में चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज इसकी बनावट, इसकी विशेषता और इसके प्रमुख सूत्र, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसे आप लोग नोट कीजिए और जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे आप लोग हल कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।